हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ केरला की एक ट्रेडिशनल दाल करी। तो इसके लिए हमें चाहिए पम्पकिन। तो मैंने अर्धा पम्पकिन लिया है, छिलका निकाल कर अच्छे से वाश करके रख दिया है। और हमें चाहिए मूंग दाल एक बाउल, और अर्धा बाउल हमें चाहिए तुअर दाल। और इस दालों को अच्छे से वाश करके हमें कुकर में पकाना है ये तीनों चीज़ों को। और हमें इसके लिए ग्रेवी रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप नारियल, एक छोटा सा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर और जीरा डालकर मैंने इसे अच्छे से पेस्ट करके ले लिया है। तो पहले से आप ग्रेवी को रेडी करके रख देंगे तो करी भी फटाफट से रेडी हो जाएंगे। तो अभी हम गैस पर एक कुकर को रख देंगे। अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे दोनों दालों को हमें ऐड करना है। तुअर दाल और मूंग दाल अच्छे से वॉश करके मैंने इस पर ऐड कर लिया है। अभी इसके साथ ही साथ हमें ऐड करना है पम्पकिन। पम्पकिन यानी कि बोपला, जो आते हैं ना सांभर में डालते हैं वही। तो इससे क्या होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये जो दाल करी। तो जितना पानी इसमें चाहिए आप इसमें ऐड कीजिएगा। ये दाल और पम्पकिन अच्छे से डूब कर रहना है, उससे ऊपर तक रहना है लेवल तक। और हमें इस पर स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके हम इसे दो विसिल आने तक पकाएंगे। हमें अच्छे से पका कर लेना है दालों को, दाल अच्छे से स्मैश करना है हमें। इसके लिए दो विसिल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो कुकर को मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए हमारी जो दाल है यहाँ पर पक चुका है अच्छे से, पम्पकिन भी अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से स्मैश करके ले लेंगे। तो इसी तरह चम्मच से या फिर कैसे भी आप इसे अच्छे से स्मैश करके लेना है। देखिए इस तरह से हमने इसे स्मैश कर लिया है। अभी हम इस दाल में डालेंगे जो हमने पेस्ट करके रखा था, जो ग्रेवी है ना नारियल का, उसे भी ऐड करके अच्छे से मिला देंगे, एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और आपको इसमें जितना आपको इसका करी आपको पतला रखना है उसी हिसाब से पतला रखिएगा। तो और थोड़ा गर्म पानी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। तो आप राइस के साथ इसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही डिलीशियस दाल करी है। आप सब ज़रूर इसे ट्राई करना। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी नारियल डालने के बाद इसे ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से गर्म करके हमें लेना है। और इसके ऊपर से हमें तड़का भी डालना है, तड़का। तो देखिए अच्छे से हमने इस दाल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा नमक चाहिए था तो स्वादानुसार नमक भी ऐड करना है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, राइस के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप सब ज़रूर इसे ट्राई करके देखना, फटाफट से बन जाते हैं करी। तो इस टाइम आप ज़रूर इसे ट्राई करना, इस बारिश के टाइम बहुत ही मज़ा आएंगे। वेराइटी वेराइटी जो डाल करी ट्राई करके देखिएगा। तो अभी हम इसे तड़का देंगे, इसके लिए मैंने ऑयल ऐड किया है। और हमें ऑयल गर्म होते उस पर राई ऐड कर लेंगे, और प्याज ऐड करना है, और करी लीव्स को भी ऐड करना है। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च हो तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद हम इस दाल करी के ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही डिलीशियस हमारी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन की जो ट्रेडिशनल दाल करी यहाँ पर रेडी हो चुका है, पम्पकिन वाला दाल करी रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।